अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप देख रहे हैं एक्टिव जुबेर। मौजूद हूँ मैं पंचायत बहमदासा के अंदर। पंचायत गुई बहमदासा का ये हस्पताल है जो अभी भी बंद है, और यहाँ पर जो कुछ मकान 4 या 5 दिन पहले जले थे, उसके बाद DDC चेयरपर्सन का जो विज़िट है, दौरा है, आज यहाँ हुआ। लेकिन हमने ये मुनासिब समझा कि इस वक्त भी हस्पताल यहाँ बंद है, क्यों ना हम DDC चेयरपर्सन से बात करें कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, इसके बारे में हम सबसे पहले मैडम जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम जी, ये कारण क्या हो सकता है कि आप इस वक्त खुद मौजूद है? कितनी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पड़ी है, अगर खुदा न खास्ता जो कल या परसों मकान जले, वहाँ कोई जल जाता, बच्चा या माल मवेशी के का कुछ नुकसान होता, तो हमें दवाई का बंदोबस्त नहीं यहाँ पे होता, यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो क्या कारण है? पहले भी हमने ये बात की थी, तो असल कारण क्या है इसका? देखिए, ये जो आपका सब सेंटर है बहमदासा के अंदर, लगातार ये लाइम लाइट में है। काफ़ी बार ये इश्यूज टेकअप किए गए यहाँ पर। पहले जो यहाँ पे सब सेंटर में जो मेडिकल असिस्टेंट लगाया गया था, उसने जो है डायरेक्टर लेवल पे हाई अप्रोच लगा के वहाँ से ही उसने वापस अपनी ट्रांसफ़र करवा दी। लेकिन उसके बाद जब ये मसला उठा, तो मैंने जो कमिश्नर साहब है, वर्दी कमिश्नर आबिद साहब, उनसे इशू को टेकअप किया। उन्होंने CMO को ये डायरेक्शन दी कि फिलहाल जब तक MCC है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तब तक आप रोस्टर बेस पे जो यहाँ पे लोकल जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनको रोस्टर बेस पे यहाँ पे भेजें, ताकि 4 तारीख तक ये इस हॉस्पिटल को खुला रखा जाए। उसके बाद यहाँ पर परमानेंटली किसी न किसी डॉक्टर को, मेडिकल असिस्टेंट को लगाया जाएगा। मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है कि क्या आया वो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट रोस्टर पर लगाए गए हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं या नहीं निभाते हैं। आज के दिन भी अभी तक तो मुझे शायद कोई नहीं मिला यहाँ पर, कोई आया था आज के दिन में, आज आया होगा, लेकिन कम्प्लीटली जो उनको ड्यूटी असाइन की गई है, अगर उस ड्यूटी से वो बाहर रहते हैं तो उस पर तो एक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि अगर 10-10 दिन 3 फार्मासिस्ट को दिया गया है, वो कम्प्लीटली अपने 10 दिन यहाँ निकालें और प्रॉपरली चेकअप करें यहाँ पर। जितने भी आपने सही कहा कि कोई भी हादसा हो सकता है, जल सकता है, कोई गिर सकता है, कोई भी हादसा, अल्लाह ना करे ऐसे कोई हादसे हों, लेकिन कोई भी हादसा पेश आ सकता है जिसको फर्स्ट एड की ज़रूरत होगी, वो यहाँ से अगर हम धाड़म उसको लेने आए, तो धाड़म में भी कोई इतना बड़ा डॉक्टर है ही नहीं फिलहाल। वहाँ पर भी आपका जो पूरा ब्लॉक है, वहाँ पर भी लगातार रोस्टर पर, वहाँ पर भी हमने मेडिकल अफसर्स को रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें सीरियस नहीं हो रही है कि हमें अगर मुलाजिम नहीं है तो हम कोई ऐसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाएं जिससे हम कम से कम सब सेंटर्स को तो खुला रख सकें, जिससे हम कम से कम PHCs में एक डॉक्टर तो मुहैया कर सके। हम लगातार इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, और आज भी रामबन के अंदर, क्योंकि मैं नहीं जा पाई, मुझे यहाँ पे आना था, आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का विजिट जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर था, मैंने कम्प्लीटली उनको राइटिंग में सारे इश्यूज टेकअप किए हुए हैं, और आज भी उन्होंने जो मीटिंग वहाँ पर ली उस पर वो इशूज़ को डिस्कस किया गया। मैं यहाँ से जाके दोबारा उनसे डिस्कस करूँगी, और कम्प्लीटली 4 तारीख के बाद इंशाल्लाह आपको यहाँ परमानेंट फार्मासिस्ट मिलेगा, और अगर उसके बाद नहीं रहा तो फिर इंशाल्लाह जो भी कार्रवाई हम करेंगे वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट को उससे देखना पड़ेगा। क्योंकि लगातार हज़ारों के हिसाब से पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को हम मेडिकल फैसिलिटी से बाहर नहीं रख सकते हैं। मैडम जी, कहीं ना कहीं आपने जो कहा, हमने 3 डॉक्टर रखे हैं, उनकी ड्यूटी 10-10 दिन है, लेकिन 10 दिन में से जब 8 दिन वो आता नहीं है, 2 दिन आता है, क्या पता उन 8 दिनों के अंदर ही कोई कैजुअलिटी या कोई गिर सकता है, कोई मर सकता है, कहीं आग लगती है, तो यहाँ पर नहीं होते हैं। तो यहाँ के जो इतने लोग मौजूद है, ये लोग मुतमिन है इन 10 दिनों से? तो शो मुतमिन डॉक्टर आसुन तुम दोन दोन खातर पात छन यवन अस क्या करो ये तिमन डॉक्टरन अस गाय डॉक्टर आसुन यूस ये रोज अस छ पहाड़न पे रोजन अस कोड गस पात न छ अस सड़क न छ गाड न छ अस के लिहाजा सोन छ अर्ज डॉक्टर करि मेहरबानी तो अस दियो डॉक्टर परमानेंट डॉक्टर यूस ये रोज। ये लोग नहीं चाहते हैं कि 8 दिन कोई आए वो ट्रीटमेंट करता है, तो 8 दिन के बाद एक मिनट में कोई एक डॉक्टर अगर आता है, मान लो सुबह आता है, किसी पेशेंट को लगी अपनी ट्रीटमेंट करता है,
फिर 8 दिन वो आता नहीं है, 8 दिन के बाद दूसरा आता है, वो अपनी ट्रीटमेंट करता है जिन्हें इलाज नहीं हो सकता उनसे, तो ये लोग मुतमिन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, वो 10 दिन में 2 ही दिन क्यों आता है? मैम ऐसा ही हुआ नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, अगर ऐसा होगा उनको इंक्वायरी होगी, क्योंकि उसको 10 दिन में अगर एक संडे आता है या कोई गेजेटेड हॉलीडे आती है उस दिन उसको छूट है, उसको 10 दिन में 2 दिन के लिए थोड़ी भेजा है यार कि वो 2 दिन आएगा फिर वो 8 दिन घर में बैठेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर ऐसा है, ये चीज़ आप हमारी नॉलेज में आप लोगों ने लाई है, और आइंदा भी अगर ये नहीं आएंगे इन पर इंक्वायरी होगी, और जब तक यहाँ परमानेंट डॉक्टर नहीं आता है तब तक उनको ड्यूटी देनी है, वो लगातार उनको 10 दिन ड्यूटी देनी है, जितने भी वर्किंग डेज है उनको वहाँ 10 से 4 प्रॉपरली बैठना है यहाँ पर, जब तक कोई आए या नहीं आए उनकी तो ड्यूटी है। और दूसरा, आपने देखा मैंने विजिट किया, इतनी अच्छी बिल्डिंग है लेकिन इसमें बहुत नाकस मटेरियल लगा हुआ है, टाइलें लगी हैं वो उखड़ गई हैं, और अभी नया काम चल रहा है वो ठीक नहीं है। मैं इंशाल्लाह PWD से टेकअप करूँगी और इसको प्रॉपरली NOC तो इस कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलनी चाहिए जब तक ये प्रॉपरली वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी दूर आके आप लोग अगर कोई एसेट बना रहे हो तो ये एसेट भी अगर सही तरीके से नहीं बनेगा 2 साल बाद तो ख़त्म होगा ये, तो आप क्या हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, आप किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? यहाँ पर कम से कम इसकी जो है विजिट करेंगे, मैं एक्सियन से बात करूंगी, IW को हम भेजेंगे, वो प्रॉपरली इसका चेकअप करेगा और देखेगा नीचे वाला फ्लोर भी टूट गया है, उसके लिए भी इस साल में हम कुछ फंड्स रखेंगे, लेकिन फंड्स रखने का मकसद ये नहीं है कि टाइल एक दिन लगाई दूसरे दिन जमा करके साइड पर रख दी, कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं इसके, हम लोगों को भी इसकी मॉनिटरिंग करनी, अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो हम तक ये बात पहुंचानी है। ये इस चीज़ को दुरुस्त, आप सीलिंग देख लीजिए, यहाँ से देख रही है लटक रही है, अगर अभी लगी रही है अभी से लटक रही है तो कितना टाइम ये सीलिंग निकाल सकती है, इस चीज़ पर हम नोटिस में लाएंगे और इंशाल्लाह इसको दोबारा से जिस कॉन्ट्रैक्टर को भी जिसको भी ये है, मुझे नहीं पता किसको है, लेकिन ये डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है इसको जो है कम्प्लीटली दोबारा से रिपेयर करवाए और इसको फुली फर्निश करके जो है डिपार्टमेंट के हैंड ओवर करें, तो इंशाल्लाह आपके जितने भी इश्यूज़ हैं मेडिकल फार्मासिस्ट की जो बात है परमानेंट हम देंगे आपको मॉडल कोड ऑफ करने के बाद, लेकिन तब तक जिन लोगों की यहाँ पे ड्यूटियाँ हैं अगर वो अपनी ड्यूटियाँ नहीं करते हैं, मैं आज ही CMO से बात करके अगर उन्होंने नहीं किया तो वो उनको सस्पेंड होना पड़ेगा, इसमें कोई जो है किसी की हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम क्यों करेंगे, हमारा तो यहाँ हमने इसलिए भेजा है यहाँ के लोगों की आसाइश के लिए, अगर वो लोग 8 दिन घर में बैठेंगे 2 दिन आएंगे तो ये बात आप लोगों ने हम तक क्यों नहीं पहुंचाई अभी तक कि सिर्फ 2 दिन आते हैं। मैडम जी, हम कहीं ना कहीं अब तक आवाज़ पहुंचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, लेकिन उस पर गौर नहीं किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर मुझ तक मेरी नॉलेज में तो ये नहीं कि सिर्फ 2 दिन आते हैं, मुझे इतना पता है कि पहले यहाँ आता ही नहीं था कोई भी, लेकिन फिर जब यहाँ रोस्टर बना जिसकी भी मुलाजिम है उसको अगर कहीं पर भी ड्यूटी लगती उसको तो करनी है, या तो उसको सस्पेंड होना है घर बैठना या तो उसको ड्यूटी करनी है, तो ये चीज़ है, इसलिए हमने उनकी आसाइश के लिए कहा कि अगर एक को भेजेंगे वो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अटैचमेंट पे ऐसे भेजना, इसलिए फिर मैंने कहा कि आप ठीक है 3 को 10-10 दिन भेजे, लेकिन अब वो 10-10 दिन में भी नहीं आएंगे तो मुझे लगता है ये तो नाइंसाफ़ी, ये तो गलत है। मैडम जी, जहाँ जहाँ आंगनबाड़ी सेंटर है बंद पड़े हैं, बच्चों को राशन भी नहीं दिया जाता है, ये करते थे लोग घरों में पहाड़ों में जाते हैं डोकू में जाते हैं तो उनको घर भेजा जाएगा, वो भी नहीं देते हैं, अगर वहाँ नहीं देते हैं जब तक यहाँ बस्तियाँ रहती हैं लोग रहते हैं उन बच्चों को खाना भी नहीं देते हैं, आखिर ये राशन जाता कहाँ है? देखिए, ये राशन मुझे नहीं समझ आती कि आंगनवाड़ी सेंटर आपका बंद हो सकता है, ऐसे दूर दराज इलाकों में आंगनवाड़ी ही एक है जो लोगों को थोड़ी सी सपोर्ट कर रही है, अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे उन सेंटर्स का नाम बताइए, हम उनकी इंक्वायरी कराएंगे, मैं यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो खुद विजिट यहाँ पर करेगा और प्रॉपरली आंगनवाड़ी सेंटर्स पर विजिट करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है आज मुलाजिम को 2 मिनट भी नहीं लगते सस्पेंशन में और टर्मिनेशन में, आपने देखा कि 2 घंटे के अंदर मुलाजिम सस्पेंड और टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन वाकई में अगर ऐसा है तो ये बात मेरी नॉलेज में आपने लाई मुझे, लेकिन सेंटर्स का नाम बताइए ताकि मैं जो है राइटिंग में अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात करके इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, ऐसा होगा तो नेचुरली उनके खिलाफ एक्शन होगा। और दूसरा, अगर वो डोक में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे तो छोटे बच्चे ऊपर जाते हैं लेकिन बड़े जो थोड़े बड़े हैं वो कहाँ जाते हैं, अगर वो जाएंगे भी तो भी उनका राशन तो आता है और उनको तो ड्राई
राशन उनको मुहैया करना है अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो ये तो ठीक है, राशन कहाँ जाता है, तो वाकई बात सही है। अगर नहीं मिलता है, अगर बच्चों को नहीं मिलता, उनको ड्राई नहीं दिया जाता, उनको खाना बना के, अब तो आंगनवाड़ी सेंटर स्कूलों के साथ अटैच हो रहे हैं, अब तो प्रॉपरली वो एक टीचर बन गया। मेल नहीं दिया जाता है मैम, स्कूलों के अंदर भी अभी स्कूल खुले हुए 2 महीने हो गए, अब तक मिड डे मील नहीं मिला बच्चों को। घर में बच्चे आके रोते हैं, हमें खाना साथ दे दो, हमें वहाँ कुछ नहीं मिलता, तो आखिर कारण क्या है, हो क्या रहा है मैम? अभी आजान हो रही है, थोड़ा सा राशन भी नहीं दिया ना, स्कूलों में देते हैं, आखिर कारण क्या हो सकता है इसका? नहीं, बात करेंगे, बैठेंगे इस पर डिस्कस करेंगे क्या मसला है, राशन दिया क्यों नहीं, अगर दिया तो बच्चों को क्यों नहीं मिला, इस पर तो वाकई में ये तो बात ज़रूरी है। जिसका ये रोस्टर पे जो थे, 1 मई से रोस्टर लगा था यहाँ पर, 1 मई से 10 मई तक एक का यहाँ पर रोस्टर था, वो तो यहाँ पर टोटली नहीं आए। परसों हमने वीडियो मैम से, सॉरी बीएमओ मैम से बात की, उन्होंने बताया एक दिन कहीं से मुझे उन्होंने जियो टैग फोटो भेजा, बाकी 9 दिन कहाँ गए, उनके बारे में हम चाहेंगे आप हमसे बात करें। नहीं, मैं बात करूँगी। 9 दिन की अटेंडेंस कहाँ से है? जी आप बात करेंगे ना, अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे। दोन दोन ओठन गायर रोजा है या लास्ट किन दोन दोन दहन तिमन ओठन चासन गोड़ी गायर? नहीं नहीं, ये टेकअप करना पड़ेगा, मिड डे मील का इशू है, ये भी हम बात करेंगे कि भीमदासा में मिड डे मील क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि अभी मुझे लगता है फर्स्ट स्कूल कब खोले थे, फर्स्ट मार्च से मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, आज मई लग रहा है, तो अभी तक अगर स्कूलों में राशन नहीं आया, आया है वो पीछे से नहीं आया या उनको दिया गया, फिर स्कूलों में क्यों नहीं दिया गया, इस पर हम बात करेंगे। इंशाल्लाह जो भी सामने निकल के आएगा वो आपके सामने होगा, ऐसा नहीं है मैं राइटिंग में भी दूंगी।